सफर की शुरुआत करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है आज के इस फैबुलस 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 फ्राइडे में, जहां पर हम मिलने वाले हैं एक बेहतरीन शख्सियत के साथ जो आपकी जिंदगी के मायने बदलने वाला है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही, आज की शाम बहुत ही शानदार होने वाली है, और इस शानदार शाम को और शानदार बनाने के लिए मैं चाहूंगा कि जितने भी साथियों को आप आज बुला सकते हैं इस जूम सेशन को अटेंड करने के लिए, ताकि उनकी भी जिंदगी बदल पाए, तो बुला लीजिए, क्योंकि बहुत कम वक्त में हम शुरू करने वाले हैं। बहुत ही थोड़े से टाइम में, थोड़े से वक्त में आज के इस वेबिनार को हम शुरू करने वाले हैं, और आप लोग साक्षी होने वाले हैं आज के इस वेबिनार के लिए। तो अभी काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटी से, अलग अलग गांव से। तो मैं देख पा रहा हूं कि हाँ, लोग बढ़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। तो उनको बुलाने से पहले, जो आज की सच्चाई आने वाली है, थोड़ा सा उनके बारे में बात कर ले। क्या सुनना चाहेंगे आप लोग? अगर सुनना चाहेंगे तो यस जरूर लिखिएगा चैट बॉक्स में, मैं इंतजार करूंगा आपके यस का या आपके जवाब का। तो चैट बॉक्स से यस से अगर भर जाता है तो मजा आ जाएगा। शंकर सैनी जी, ओके, वेरी नाइस। वक्त से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता, वक्त से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। दुश्मन की पहचान सिर्फ सही वक्त ही करा सकता है। जिसके पास वक्त है ना, दुनिया उसके कदमों में है, और जिसके पास, जिसके साथ वक्त नहीं है, उसके अपने भी उसका साथ छोड़ देते हैं। दोस्तों, कामयाबी आपकी मजबूरी बन जानी चाहिए, जैसे शेर के लिए होती है। कामयाबी की इतनी तड़प, इतनी भूख, इतनी मजबूरी होनी चाहिए कामयाबी पाने की, जैसे शेर की होती है। कहते हैं वक्त हमेशा पास होता है, लेकिन हमेशा साथ नहीं होता है। शेर जब शिकार के लिए दौड़ता है ना, अपनी जी जान लगा देता है, पूरी ताकत लगाता है, भरपूर एनर्जी के साथ दौड़ता है हिरन के पीछे, शिकार करने के लिए, हिरन को मारने के लिए। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैंने हिरन का शिकार नहीं किया तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी, अपनी जान को खो सकता हूं। इसलिए वो पूरी जी जान लगा देता है हिरन का शिकार करने के लिए। कामयाबी के लिए अगर मेहनत कर रहे हो ना आप लोग, तो इसी एटीट्यूड के साथ करना कि कामयाब नहीं हुए तो मर जाओगे। अकेले नहीं, मेरा पूरा परिवार मर जाएगा, मेरा पूरा भविष्य खत्म हो जाएगा। अगर इस एटीट्यूड से कामयाबी के पीछे भागोगे ना, तो कोई नहीं रोक सकता है आपको कामयाब होने से। इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता आपको आपकी कामयाबी को पाने के लिए। और आज ऐसे ही व्यक्ति जिनको कामयाबी की भूख के लिए लड़ते मैंने देखा है बहुत करीब से, और को पता है उनकी शुरुआत आज से 10 महीने पहले SHPL में हुई थी, और SHPL में उन्होंने पहले महीने में ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर का अवधा पाया था। पहले महीने में ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर, दूसरे महीने में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का अवधा का प्रमोशन हासिल किया था। 7वें महीने में
डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाया। ये उनकी मेहनत की, ये उनकी कामयाबी की जिद थी, ये कामयाबी की भूख थी, उस शेर की तरह कि हिरन को मारना है, शेर की तरह, उस इंसान की तरह कि जिसको सिर्फ एक ही लक्ष्य नजर आ रहा था कि मुझे SHPL में सबसे टॉप लेवल लेना है। और दोस्तों 10वें महीने में उन्होंने प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर यानी कि अप्रैल के महीने में उन्होंने प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर का अहुदा हासिल किया। ये भूख ही थी उनकी, ये उनका एटीट्यूड ही था उनका जो उनको आज SHPL में सबसे बड़े अहुदे पर अभी पहुंचा दिया है। दोस्तों बस दो लेवल और बाकी है और वो बहुत जल्दी, आज ही मेरी बात हुई उनसे और वो कहते हैं कि बहुत जल्दी उसको भी हासिल कर लेंगे। सिर्फ मेहनत की भूख उनको है, सिर्फ इस मेहनत का जो एटीट्यूड उनका है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक शेर को हिरन को मारने का है। इतने बेहतरीन एटीट्यूड के साथ, इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, इतने हम्बल इंसान होने के बावजूद आज लोग उनसे मिलने के लिए तरसते हैं, लोग उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, लोग उनसे सुनने के लिए तरसते हैं, लोग उनसे मीटिंग चाहते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, लोग उनके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि वो 10 महीने में प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर कैसे बने। और आज वो हमारे साथ इस जूम सेशन में आपको बताने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो आपकी आवाज मैं 10 सेकंड के लिए अनम्यूट करूंगा ताकि आपकी तैयारी की एनर्जी मुझे भी मिल पाए। तो बुला लेते हैं आज के हमारे गेस्ट को, आज के हमारे लीडर को, क्योंकि वक्त से लड़कर जो अपने नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपने नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। और आज प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर ने तस्वीर बदल दी है। तो स्वागत करते हैं, प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर ब्रांड न्यू प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर मिस्टर उमेश कुमार चौरसिया जी का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मिस्टर उमेश कुमार चौरसिया जी का। वेलकम टू यू सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पाजी आपका, आपकी बात मैं सुन रहा था और आपके बात करने का जो अंदाजा है, जो लहजा है, जो खुश मिजाज तरीके से आप बात करते हैं उसका बात ही कुछ अलग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपको। सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं उमेश कुमार चौरसिया और आज की इस वेबिनार में आप सभी लोगों का तहे दिल से दोनों हाथ जोड़ करके हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आप सबके बीच में इस वेबिनार में लगभग 40 मिनट तक मैं हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना देर तक हूं मैं उतनी देर इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस प्रोफेशन के बारे में और कामयाबी के उन तथ्यों के बारे में मैं जरूर आपसे शेयर करूं जिस जो कि आपकी भी कामयाबी में आपको काम आए। तो एक छोटा सा मैं अपना परिचय देता हूं दोस्तों और मैं उसी से शुरुआत करता हूं। मेरा नाम उमेश कुमार चौरसिया है और मैं बिहार स्टेट का रहने वाला हूँ। और इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले की मैं बात करूँ तो मैं एक स्टूडेंट था और आप सब लोग जानते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं उनके अपने एक सपने होते हैं। जब मैं स्टूडेंट था, जब कॉलेज में मैं पढ़ाई करता था तो मेरी एक सोच थी कि मेरी एजुकेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं भी किसी शहर में जाके, किसी कंपनी में जाके कोई काम करूंगा, वहां से पैसे कमाऊंगा
और उस पैसे से अपने परिवार की जरूरत को पूरा करूंगा। मेरे लाइफ में कोई पैसिफिक एक गोल नहीं था कि मुझे अपने जीवन में ये एजुकेशन कंप्लीट करके, ये पढ़ाई कंप्लीट करके मुझे ये बनना है। जैसे बहुत सारे लोग का एक लक्ष्य होता है कि मुझे पढ़ाई करके डॉक्टर बनना है, मुझे पढ़ाई करके इंजीनियर बनना है, मुझे पढ़ाई करके टीचर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे सुपरवाइजर बनना है, मैनेजर बनना है। तो मेरा ऐसा कोई पैसिफिक गोल भी नहीं था कि मुझे पढ़ाई करके अपने लाइफ में ये बनना है, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ, परिवार की परिस्थिति ऐसी थी कि सिर्फ जरूरत के लिए एक एजुकेशन चल रहा था और ये वाली बात समझ में आ गया था 6वीं-7वीं क्लास में ही कि हमारे परिवार की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम अपनी इस एजुकेशन की जर्नी में कहाँ तक जा सकते हैं, किस जगह तक पहुँच सकते हैं। इस वजह से सिर्फ लाइफ में एक सपना था, सिर्फ ये सोच थी कि मुझे अपने जीवन में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना है और किसी शहर में जाकर के, किसी कंपनी में जाके कोई काम करना है और काम करके पैसे कमाने हैं और उस पैसे से अपने परिवार की जरूरत को, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक करना है। ये कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा काम सही रहेगा, कौन सा काम सही नहीं रहेगा, इसका कुछ आइडिया नहीं था। सिर्फ मन में एक सोच थी कि मुझे कोई काम करना जहाँ से पैसे मिले और उस पैसे से मैं अपने परिवार की परिस्थिति को दूर कर सकूं। और मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मेरी परवरिश जिस समाज में हुई है, जिस सोसाइटी में हुई है, आज भी हमारे यहाँ बिहार के अंदर, बेसिकली जो लोग आप में से बिहार से संबंध रखते होंगे, यूपी में पूर्वांचल से संबंध रखते होंगे, बिहार झारखंड यूपी से संबंध रखते होंगे, वो इस बातों को बड़े अच्छे से समझेंगे। आज भी हमारे यहाँ जब कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मुझे अपने जीवन में पैसे कमाने हैं, उस पैसे से परिवार की जरूरत को पूरा करना है, थोड़ा सा उसको बेहतर करना है, तो ये सोच जब उसके अंदर आती है तो इस सोच के अंदर 100 में से 90 लोग के अंदर ये आता है कि मैं सब कुछ तभी कर पाऊंगा जब मैं अपने परिवार, अपने स्टेट, अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाके काम करूंगा। तो मेरे अंदर जब ये सोच आया कि मुझे भी अपने जीवन में अब पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई बेंडअप करना है और कहीं जाकर के पैसे कमाने हैं, उस पैसे से परिवार की परिस्थिति को ठीक करना है, जब ये सोच मेरे अंदर आया दोस्तों, तो इस सोच के साथ ये भी आया कि मैं सब कुछ तभी कर पाऊंगा जब मैं भी अपने परिवार, अपने स्टेट और अपने कंट्री को छोड़ करके दूसरे कंट्री में जाके काम करूंगा, जहां पे हमारे भाषा में लोग उसको विदेश बोलते हैं। तब जाकर के लाइफ में एक सोच बना, एक थॉट बना कि यस, विदेश एक ऐसा जगह है जहां पे मैं जाकर के अगर काम करता हूं तो वहां की करेंसी जब मैं इंडिया में वापस लेकर के आऊंगा तो उसकी वैल्यू थोड़ा ज्यादा होगी, तो थोड़ी सी ज्यादा पैसा मैं कमाऊंगा, तो मैं अपने परिवार की परिस्थिति को जल्दी ठीक करूंगा। इस सोच की वजह से दोस्तों मैं मिल राइट फीडर का काम सीखा। मिल राइट फीडर के काम में पंप और मोटर का असेंबल किया जाता है। मैं उस काम को सीखा, काम को सीखने के बाद उस काम का इंटरव्यू देने के लिए मुंबई गया। मुंबई शहर में 3 से 6 महीने तक मैंने संघर्ष किया, बट मैं फॉरेन कंट्री में नहीं जा पाया क्योंकि जो काम मैं सीखा था उस काम की एक्सपीरियंस की ज्यादा वैल्यू थी। तो जो सैलरी मैं सोच करके इस काम को सीखा था और जिस सोच के साथ मैं इंटरव्यू देता था, उतनी सैलरी नहीं मिलने की वजह से, फ्रेशर होने की वजह से उतनी सैलरी मुझे नहीं मिल पा रही थी, तो मैं कैंसिल किया कि मैं अगर उस सैलरी पे विदेश जाता हूँ तो मैं जो पैसा कमाऊंगा विदेश में ही खर्च हो जाएगा, मैं घर पे कुछ भी अपने परिवार की परिस्थिति को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं मुंबई संघर्ष करने के बाद वहां कोई जब रिजल्ट 5-6 महीने में नहीं मिला तो फिर मैं वापस अपने घर आया, मैं अपने घर पे आया। घर आने के बाद फिर लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिली टीचर का, उसमें मार्क्स अच्छे, परसेंटेज अच्छे नहीं होने की वजह से मुझे टीचर में जॉब नहीं मिला। उसके बाद से जो मुंबई संघर्ष करने के बाद लगभग टीचर के लिए 5-6 महीना संघर्ष करने के बाद जब इन 1 सालों में मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आया दोस्तों, तो मुझे भी लगने लगा कि शायद मेरे किस्मत में पैसा कमाना नहीं लिखा है, शायद मैं जिस प्रोफेशन से, मैं अपने लाइफ में जिस चीज को हासिल करना चाहता हूँ, जिस चीज को हासिल करना चाहता हूँ शायद, एक मिनट दीजिएगा। सॉरी, मेरा वाईफाई आ गया। आवाज जा रही है तो एक बार आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। आ रही सर, आ रही। थैंक यू।
तो अब 6 महीना लगभग मुंबई मेहनत करने के बाद, 6 महीना टीचर के लिए संघर्ष करने के बाद, जब इन 1 सालों में मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आया दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मेरे किस्मत में कामयाबी नहीं लिखी है, मेरे किस्मत में पैसा कमाना नहीं लिखा है, मेरा भाग्य सही नहीं है, मेरा किस्मत सही नहीं है। और आप सब जानते हैं दोस्तों, हम सब लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जिस समाज में हमारी परवरिश हुई रहती है, जब कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ में किसी जगह पे पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, जब किसी जगह पे पूरी एफर्ट करता है और किसी भी कारणवश अगर उस व्यक्ति को उस जगह पे रिजल्ट नहीं मिलता है, तो एक ही चीज को कोसता है और वो है उसकी खुद की किस्मत। तो मैं भी अपनी खुद की किस्मत को कोसने लगा कि यार मेरे नसीब में पैसा कमाना अगर लिखा होता, मेरा भाग्य सही होता, मेरा नसीब सही होता, तो मैं 6 महीना विदेश जाने के लिए संघर्ष किया, कोई रिजल्ट नहीं मिला। टीचर के लिए लगभग 6 महीना मैंने रिजल्ट कोशिश किया, कोई रिजल्ट नहीं मिला। इस तरीके की बातें, इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके की थॉट मेरे माइंड में आने शुरू हो गए दोस्तों। अब जब ये थॉट मेरे अंदर आते थे तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे आगे क्या करना है। लाइफ ऐसे ही चल रही थी क्योंकि एक तरफ मैं अपने पढ़ाई को बेंडअप कर दिया था और दूसरी तरफ मैं जिस पैसे के कमाने की खोज में निकला था, उस जगह पे, उस सिचुएशन में मैं पहुंचा भी नहीं था। इसलिए लाइफ को लेकर के आगे मेरे भविष्य में क्या होगा, आगे में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके की गाइडलाइंस करने वाला ना तो परिवार में कोई व्यक्ति था, ना इर्द गिर्द कोई व्यक्ति थे। इस वजह से लाइफ को लेकर के और टेंशन होती थी। ये सिलसिला चल रहा था ठीक इसी बीच, जिस तरीके से आप सभी को अपने किसी नियर, किसी डियर्स, अपने किसी फैमिली मेंबर, किसी रिलेटिव मेंबर्स, किसी फ्रेंड सर्किल के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस प्रोफेशन के बारे में आपको पता चला होगा। मुझे भी अपने कॉलेज के एक दोस्त के द्वारा इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस प्रोफेशन के बारे में पता चला और मैं इस प्रोफेशन में आया, इस प्रोफेशन की चीजों को समझा, इसकी ताकत को समझा, इसकी भविष्य को समझा, इसकी कॉन्सेप्ट को समझा, इसकी कल्चर को समझा, तो मुझे लगा कि यस, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे मैं अगर अपनी करियर की शुरुआत करता हूँ, मैं अपनी लाइफ की शुरुआत करता हूँ, तो आने वाले समय में बहुत बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, बहुत शानदार रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे काम करने के लिए, मुझे काम की शुरुआत करने के लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं था। और इससे पहले मैं जिस भी जगह पे घूमा था, जिस भी जगह पे के बारे में जानता था, जिस भी जगह पे मैं गया था, मुझे इतनी समझ थी कि इस अपने लाइफ में कोई भी इंसान कुछ भी अगर करना चाहता है तो जिस भी चीज में जो कुछ भी करना चाहता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टर्म एंड कंडीशन होते हैं जिसको उस व्यक्ति को फुलफिल करना होता है, तब जाकर के वो व्यक्ति उस काम को कर सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर हम में से किसी व्यक्ति को एक आर्मी में जाना हो तो उसका एक टर्म एंड कंडीशन है कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपको इतना जंप लगाना पड़ेगा, आपको ये रिटर्न निकालना पड़ेगा, आपकी इतनी चेस्ट होनी चाहिए। इस तरीके के हर प्रोफेशन में कोई ना कोई टर्म एंड कंडीशन है और बिना उस टर्म एंड कंडीशन को हम फुलफिल किए हुए उस प्रोफेशन में एंटर ही नहीं कर सकते। अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको BCA करना पड़ेगा, MCA करना पड़ेगा, आपको इंजीनियर बनना, आपको BTEC करना पड़ेगा, MTEC करना पड़ेगा। तो जितने भी प्रोफेशन हैं उस प्रोफेशन में बिना टर्म एंड कंडीशन का आप जा ही नहीं सकते। जैसे मैं विदेश जाना चाहता था तो उसके टर्म एंड कंडीशन था कि आप जब तक ये इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप नहीं जा सकते। मैं क्वालिफाई करता भी था लेकिन फ्रेशर होने की वजह से वो पैसे, वो सैलरी मुझे नहीं लगती थी। जैसे मैं टीचर बनने के लिए जब गया तो वहां पे भी एक टर्म एंड कंडीशन आया, आपका परसेंटेज इतना होना चाहिए तब जाकर के आप टीचर बन सकते हैं। तो वो परसेंटेज नहीं होने की वजह से, यानी कि वो टर्म एंड कंडीशन फुलफिल नहीं होने की वजह से मैं टीचर नहीं बना। जब इस प्लेटफॉर्म पे आया दोस्तों, जब इस प्रोफेशन को अच्छे से समझा, जब इस प्रोफेशन पे तहकीकात किया, तो मुझे पता चला कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे एक व्यक्ति को काम करने के लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं चाहिए, बसरते वो व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पे समय देने के लिए तैयार हो, वो सीखने के लिए तैयार हो, वो इस प्लेटफॉर्म को समझने के लिए तैयार हो। जब इतनी समझ मेरे अंदर आई तो मुझे लगा कि यस, ये लाइफ का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं बेहतर कर सकता हूं दोस्तों। और अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और आज
इस प्लेटफॉर्म की वजह से, इस प्रोफेशन की वजह से एक इंसान के लाइफ में जो भी ड्रीम्स होते हैं, जो भी सुख सुविधाएं की चीजें होती है, आज परमात्मा के कृपा से, ईश्वर के कृपा से वो सब कुछ इस प्रोफेशन ने मुझे मेरे लाइफ में दिया है। जिस कंट्री में जा करके काम करने का मेरा ड्रीम था, आज इस प्रोफेशन की वजह से मैं 9 अलग अलग कंट्री में जाकर के विजिट करके आया हूँ। आज ये लाइफ स्टाइल है कि हर एक साल एक कंट्री की विजिट करते हैं, जहाँ पे लोग जा करके एंजॉय करके आते हैं। तो ओवरऑल मैं अगर इसको एक शब्दों में बोलूं दोस्तों, तो सब कुछ एक इंसान के लाइफ में जो चाहिए होता है वो सब कुछ इस प्रोफेशन ने मुझे दिया हुआ है। और ऐसा इकलौता इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्रोफेशन में सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्रोफेशन में बहुत सारे लोग ही नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग बनने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं? अगर आप तैयार हैं और अगर आप रेडी हैं, तो मैं आज आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, मैं आज आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, कि आपको जीवन में कामयाब पाने के लिए, लाइफ में कामयाब होने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा या आपको चाहिए क्या। मैं एक छोटे से मैसेज आज आप सब लोगों को देना चाहूंगा इस वेबिनार के माध्यम से, आप सभी लोगों को। दोस्तों कहते हैं ना, जीवन में कामयाबी के लिए, एक इंसान को अपने लाइफ में कामयाब होने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है। सबसे पहला, उस व्यक्ति को के पास एक सही प्लेटफॉर्म हो, सबसे पहला सही प्लेटफॉर्म हो। दूसरा, सही गाइडलाइंस हो। और तीसरा, वो सही व्यक्ति हो। सही व्यक्ति का सेंस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सही व्यक्ति का जो मेरा परिभाषा हो, ऐसा नहीं कि नहीं कोई गलत व्यक्ति, मैं उसको आपको लास्ट में समझाऊंगा। मैंने आपसे बोला कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला, सही प्लेटफॉर्म। दूसरा, सही गाइडलाइंस। और तीसरा, वो सही व्यक्ति जिसको कामयाब होना है। सही प्लेटफॉर्म से मेरा क्या तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जब कोई काम करता है तो 2 चीज को ध्यान में रखता है, पहला पैसा और दूसरा कैरियर। और मेरा मानना है कि यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, हम सब लोगों की ये 2 डिमांड है, 2 थॉट है, हमें पैसे भी चाहिए और कैरियर भी चाहिए। और ये जीवन में दोनों का बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों चीजें जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो प्लेटफॉर्म ही होता है जो ये तय करता है कि आपका कैरियर कैसा होगा। अगर एक सही प्लेटफॉर्म नहीं होता है तो बहुत सारे लोग जीवन में अपने किसी जगह पे टाइम देने के बाद, मेहनत करने के बाद, एक एफर्ट करने के बाद, किसी चीज को बनाने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि मैं एक सही प्लेटफॉर्म पे नहीं हूं, तो उस व्यक्ति की वो सारी मेहनत, वो सारी छवि, वो सारे संघर्ष जीरो हो जाते हैं। तो जिस जगह पे आप सब लोग बैठे हुए हैं, यानी कि एक बात से आप निश्चिंत रहिए, इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे उदाहरण हैं, इतने एग्जाम्पल हैं, इतने उदाहरण हैं कि इस बात से आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आप एक सही प्लेटफॉर्म पे हैं। क्योंकि अगर मैं इस SHPL की बात करूं, चाहे मैं इसकी प्रोफाइल की बात करूं, या इसके प्रमोटर्स की बात करूं, या इसके प्रोडक्ट्स की बात करूं, या इसके प्लान की बात करूं, या इसके सपोर्ट्स की बात करूं, या इसके विजन की बात करूं, या क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करूं, जितने भी बात करूं दोस्तों, वो सब वंडरफुल है। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, तो इस प्लेटफॉर्म पे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपने सपने को पूरे किए हुए हैं और आगे लोग कर भी रहे हैं। यानी कि एक बात तय है कि आपके जीवन में जो आपको कामयाबी चाहिए, उसके लिए जो सही प्लेटफॉर्म चाहिए वो आपको मिल चुका है, वो आपको मिला हुआ है। क्योंकि मैंने आपसे बोला कि सही प्लेटफॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं, करियर की बात कर रहे हैं। एक ऐसा करियर जहां पे हम अगर मेहनत करें, हम संघर्ष करें, और हम इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्रोफेशन में अगर अपनी चीजों को मेहनत करके, जिस जगह से उठा करके जिस जगह पे बनाएं, तो फिर लाइफ में
उस जगह से नीचे आने वाला न हो, ऐसा प्लेटफॉर्म। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दुनिया में जितने भी प्रोफेशन है, जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी वर्क हैं, हर प्रोफेशन की एक वैलिडिटी होती है और ये लिमिट होती है। दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाइए, कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिस प्रोफेशन का दोस्तों कोई वैलिडिटी ना हो। सचिन तेंदुलकर जो कि एक क्रिकेटर है, आज वो नहीं खेलते हैं, उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई, यानी कि वो संन्यास ले लिए। और बहुत सारे कपिल देव, जितने भी हर प्रोफेशन में आप चले जाइए, दुनिया के जितने भी प्रोफेशन है, एक व्यक्ति 2 साल 2.5 साल 3 साल 5 साल लगा करके एक कोई BCA का या MCA का या BTEC का या MTEC का कोर्स करते हैं, वो इंजीनियर बनते हैं, उनके इंजीनियर की डिग्री मिलती है, वो किसी कंपनी में जाके इंजीनियर बनते हैं, काम करते हैं, एक टाइम के बाद उस डिग्री की वैलिडिटी खत्म होती है, फिर वो रिटायर होते हैं, फिर वो आ जाते हैं, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। एग्री है? हर प्रोफेशन की एक वैलिडिटी है, हर प्रोफेशन की, जिसको हम रिटायरमेंट के नाम से जानते हैं, आप सबको पता है। आप जिस प्रोफेशन में बैठे हुए हैं ना, आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म में आपकी कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आपको काम करने के लिए, कामयाब होने के लिए, बेहतर बनने के लिए, बड़ा करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। इस प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप मेहनत करके, अगर इस प्लेटफॉर्म पे अपनी चीजों को अगर एक बार खड़ा करते हैं, तो फिर उसकी वैलिडिटी कभी खत्म होने वाली नहीं है। मैं उस करियर की बात कर रहा हूं, ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है। तो जीवन में जो पहली चीजें चाहिए कामयाब होने के लिए, सही प्लेटफॉर्म, वो आप में से हर एक व्यक्ति को मिल चुका है दोस्तों। अब दूसरा क्या है? सही गाइडलाइंस। कहते हैं ना कि जीवन में अगर किसी व्यक्ति को एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए और उस व्यक्ति को उस सही प्लेटफॉर्म पे चलने वाला, चलना कैसे है ये बताने वाला, गाइड करने वाला अगर कोई व्यक्ति ना मिले, तो उस व्यक्ति के लाइफ में सही प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी वो व्यक्ति उस प्रोफेशन में सक्सेस नहीं हो सकता। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जीवन में किसी भी शिखर तक पहुंचने के लिए, किसी भी कामयाबी के बुलंदी तक जाने के लिए, एक गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटायर जितने भी सारे लोग आप यहाँ पे मेरी बात को सुन रहे हैं, आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप हर व्यक्ति के इर्द गिर्द अगल बगल वो जो लोग हैं, जो आपको इस प्लेटफॉर्म में इंट्रोड्यूस किए हैं, जो इस प्लेटफॉर्म में आपको लेकर के आए हुए हैं, वो आपके गुरु हो सकते हैं, उनके सीनियर अपलाइन आपके गुरु हो सकते हैं, उनके अपलाइन आपके गुरु हो सकते हैं। यानी कि सही गाइडलाइंस देने वाले लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे आपके पास हैं। जिस वेबिनार को आज आप अटेंड कर रहे हैं, जिसमें मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, ऐसा वेबिनार इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्रोफेशन में कंपनी का हमेशा चलता है, जहां पे अलग अलग स्पीकर्स, अलग अलग ट्रेनर, अलग अलग अपलायन जो इस प्लेटफॉर्म पे अपनी कामयाबी की बुलंदी पे है, उन्होंने कैसे काम किया, चैलेंजेस आए तो कैसे फेस किया, किस तरीके की चैलेंजेस आती है, किस तरीके से काम करना, ऐसे सिखाने और बताने वाले यहाँ पे इंटायर आपके बहुत सारे गाइडलाइनर हैं। तो आपको सही प्लेटफॉर्म मिल गया, सही गाइडलाइंस करने वाले व्यक्ति मिल गया, यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको कामयाब कैसे होना है ये बताने वाले लोग आपके पास आ गए। वो बताने वाले आपके पास लोग हैं जो आपके साथ भी हैं, आप लाइव भी सीखते हैं, वर्चुअल भी सीखते हैं। अब ये दो लोग आपके लाइफ में मिल गए। अब तीसरा वो व्यक्ति खुद है जो अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है। और मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, इन तीनों चीजों में सबसे अगर इंपॉर्टेंट अगर कोई व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति वो खुद है। क्योंकि वो सही प्लेटफॉर्म या वो सही मार्गदर्शन पे चलने के लिए अगर कोई व्यक्ति है, तो वो खुद है जो उस कामयाबी के बुलंदी पे जाना चाहता है, जो अपने जीवन में एक कीर्तिमान रचना चाहता है, जो अपने जीवन में सक्सेस हासिल करना चाहता है, जो अपने परिवार में, जो अपने समाज में, जो अपने रिलेशंस में अपनी एक नई पहचान बनाना चाहता है, वो व्यक्ति वो खुद है। और उस व्यक्ति को इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब होने के लिए एक सकारात्मक
एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन में जो चीज आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट किंतु परंतु नहीं है दोस्तों। जब हमारे लाइफ में ना जब कोई घटनाएं घटित होती है ना, तो उसको देखने का दो एटीट्यूड होता है, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर लोग नकारात्मक चीजें देखते हैं, क्योंकि वो बहुत आसान है नकारात्मक चीजें सोचना, नकारात्मक बोलना, नकारात्मक देखना, ये बहुत इजी है। चले जाइए आप अपने अगल बगल किसी चौराहे पे, चार लोग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, उन पांचवें आदमी की नकारात्मक डिस्कशन चल रहा है जो आज उनके बीच में नहीं है। किसी होटल में चले जाइए, किसी मॉल में चले जाइए, किसी चौराहे पे, चौक चौराहे पे चले जाइए, किसी ऐसे पब्लिक उस पर चले जाइए, पांच लोग हैं, शुरू है, क्योंकि वो बहुत ईजी है, बहुत आसान है। तो अगर आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में इन दो चीजों के अलावा अगर कामयाबी चाहते हैं, तो सकारात्मक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे वो करवा सकता है जिसकी क्षमताएं आपके अंदर है। इंसान अपने लाइफ में शुरू करने से पहले वो हार मान लेते हैं, या शुरू करके हार मान लेते हैं, या बीच में जाकर के हार मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है लाइफ में? उनके सकारात्मक एटीट्यूड की वजह से, उनके उस नजरिए की वजह से। वो सकारात्मक एटीट्यूड जब आप बना के काम करेंगे कि यस, मैं अपने जीवन में, मुझे मेरे लाइफ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहां से मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूं, जहां से मैं अपने कामयाबी को हासिल कर सकता हूं, जब इस एटीट्यूड के साथ आप काम करेंगे दोस्तों, मैं दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब होने से नहीं रोक सकती। बट ऐसा एटीट्यूड आपको बनाना पड़ेगा। एटीट्यूड के बाद ट्रस्ट, किसके ऊपर? खुद के ऊपर, अपनी उस एटीट्यूड के ऊपर, अपने उस डिसीजन के ऊपर, अपने उस फोकस गोल के ऊपर। क्योंकि जीवन में ना ट्रस्ट का एक होता है इंसान को उसके मंजिल तक पहुंचाने के लिए। जैसे मैं बोलूं ना कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं और जिस अपने गाइडलाइनर के साथ है, जिस गुरु के साथ है, इन दोनों के ऊपर उस सकारात्मक एटीट्यूड के साथ आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ऐसा ट्रस्ट जैसा एक छोटा बच्चा अपने परिवार के उस सदस्य के ऊपर करता है जो उसके इर्द गिर्द रहता है, जो उसके बीच में रहता है। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं, समझिएगा इस बातों को। छोटे बच्चे को ना सबसे ज्यादा डर दो चीजों से लगता है, एक ऊंची आवाज से, एक ऊंचाई से। कोई बच्चा अगर खेल रहा हो आपके घरों में, वो अपने खेलने में मस्त हो, आप पीछे से जाइए और अचानक थोड़ा जोर से आप आवाज लगा दीजिए, देखिए बच्चा डर जाएगा और रोना शुरू कर देगा। एग्री है? ग्रेट। कोई ऐसा बच्चा जो आपके घरों में खेल रहा हो और आप उसको उठाइए और ऊपर फेंकने की कोशिश कीजिए, बच्चा डर जाएगा, रोने लगेगा। बट उस छोटे से बच्चे, जिस बच्चे को ये नॉलेज नहीं है कि उसके फादर कौन है, उसके मदर कौन है, उसकी बुआ कौन है, उसकी दादी कौन है, या हो सकता है उसको इतनी नॉलेज है बट उसका मतलब पता नहीं है, उतनी समझ उसके अंदर नहीं है, लेकिन वो उस परिवार के बीच में जो लोग रहते हैं उनको फेस टू फेस देखते हुए, देखते 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 उस बच्चे के अंदर ये ट्रस्ट आ जाता है कि ये जो व्यक्ति है हमारे इस घरों के अंदर, ये हमारे अपने हैं। और जब उन अपनों में से कोई व्यक्ति उस बच्चे को उठा करके जब आसमान में फेंकते हैं ना, या थोड़ा ऊंचाई पे फेंकते हैं ना, वो बच्चा रोता नहीं है, हंसता है। इसलिए क्योंकि उस बच्चे को इस बात पे ट्रस्ट होता है कि जो व्यक्ति मुझे उठा करके ऊपर फेंका है ना, ये मुझे नीचे गिरने नहीं देगा। वैसा ट्रस्ट आप में से हर एक व्यक्ति को इस प्लेटफॉर्म के प्रति, अपने सभी अपलाइन के प्रति, अपने उन सभी गुरु के प्रति, अपने उन सभी दोस्तों के प्रति जिनके वजह से आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, उनके प्रति रखना पड़ेगा। और एक बार इस ट्रस्ट के साथ अगर आपने इस प्लेटफॉर्म पे
उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके बताए हुए कल्चर पे, उनके बताए हुए सिस्टम पे को अगर आपने एक बार फॉलो कर लिया, तो इस प्लेटफॉर्म पे जिस ड्रीम के साथ, जिस सोच के साथ, जिस सपनों के साथ आप काम कर रहे हैं ना, दुनिया की कोई भी ताकत उसको पूरा करने से नहीं रोक सकता है, कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। वो ट्रस्ट चाहिए, वो सोच चाहिए, वो सकारात्मक एटीट्यूड चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको और देता हूं। आप में से बड़े सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी आईपीएल का मैच चल रहा है, और इन आईपीएल के मैच में एक नाम है रिंकू सिंह, आप सब लोग जानते हैं। मैं जब से ये कारनामा सुना हूं, मैं अक्सर उसका एग्जांपल दे रहा हूं उनका। और रिंकू सिंह वो नाम है जो कि एक मैच में 5 बॉल पे 29 रन चाहिए था या 30 रन चाहिए था, जिनको क्रिकेट से संबंध होगा उनको बड़ा अच्छा से मालूम होगा, मैं उतना मुझे संबंध नहीं है, बट जब चीजों को मैं सुनता हूं तो थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। तो जिस रिंकू सिंह का नाम जब आया तो मुझे पता चला कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक हारते हुए मैच को जिता दिया। मैच क्या था भाई, कि एक मैच ऐसा जिसमें 5 बॉल पे 30 रन मारना था या 29 रन मारना था, और रिंकू सिंह वो बल्लेबाज हैं जो 5 बॉल पे 5 सिक्स मारे। उनकी जब कहानी मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला कि रिंकू सिंह एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिनके परिवार वालों ने कभी रिंकू सिंह को बैट और बल्ला खरीद के नहीं दिए। वो व्यक्ति जिनका पहला आईपीएल मैच था, शायद 5 बॉल है, मैं कहता हूं, मैं उस एटीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैं उस ट्रस्ट की बात कर रहा हूं। अगर 5 बॉल में, अगर ये होता कि भैया 5 बॉल में ना 2 सिक्स तो मारना ही पड़ेगा अगर ये मैच जीतना है, तो भी समझ में आता कि चलो यार, उस व्यक्ति के अंदर इस बात का तो एटीट्यूड होगा कि चलो 3 अगर हम नहीं भी 6 मार पाए तो 2 तो कोशिश करेंगे, एक पहले या दूसरे पे कोशिश करेंगे और एक आखिरी पे कोशिश करेंगे। लेकिन वहां गेम ये नहीं था, वहां कहानी ये नहीं थी, वहां बातें ये थी कि 5 बॉल पे 5 सिक्स जाएगा तब उस मैच को जीता जा सकता है, और उस मैच के जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो बाकी कोच थे, जो बाकी प्लेयर्स थे, सब लोगों ने ये मान लिया था कि ये मैच जीतना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जिसका पहला आईपीएल है, कोई अगर ऐसे बल्लेबाज जिनके पास काफी एक्सपीरियंस होता, अगर वो होते तो फिर भी क्रिकेट के जानकार है, जो लोग उनको नॉलेज है, वो सोच भी सकते थे कि चलो हो सकता है कि 5 बॉल पे ये प्लेयर 5 छक्का मार दे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिनका पहला मैच था, वो एक ऐसे एटीट्यूड के साथ, वो इस ट्रस्ट के साथ और इस सकारात्मक नजरिए के साथ वो उस ग्राउंड पे उतरा है और वो खेलना शुरू किया ना, कि पूरी दुनिया उस एक मैच में जान गई कि रिंकू सिंह कौन है। दोस्तों, लाइफ में जब अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो उस अपॉर्चुनिटी को सकारात्मक एटीट्यूड के साथ, सकारात्मक नजरिए के साथ जब इंसान उस चीज की शुरुआत करता है ना, तो उसको सफलता मिलता है। और यही हुआ रिंकू सिंह के साथ। वो एक हारता हुआ मैच उन्होंने जिताया और 5 बॉल पे 5 सिक्स मारे। इमेजिन कीजिए, सोचिए, वो भी एक ऐसे ही जगह से और एक ऐसे ही परिवार से थे। आप इमेजिन कर सकते हैं, मैं उसी बात कर रहा हूं, वही एटीट्यूड जिस दिन आप में से हर व्यक्ति इस प्रोफेशन के प्रति, अपने सपने के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति, अपने करियर के प्रति अगर आप बैठा लिए दोस्तों, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उनमें, और जो नाकामयाब लोग हैं उनमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 10% का डिफरेंस है। और यही वजह है दोस्तों कि 10% लोग ही अपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग जीते हैं, अपने सपने को पूरे किए हुए, बाकी 90% नहीं जीते हैं। और ये 10% का डिफरेंस पता है आपको क्या है, सिर्फ सोचने की। एक मुझे एक सेकंड दीजिएगा भाई।
सॉरी आ गया, आवाज जा रही है? ओके, थैंक यू सॉरी फॉर। तो वो एटीट्यूड जब बना करके एक इंसान काम करता है ना, तो उसका वर्तमान सिचुएशन क्या है ये मायने नहीं रखता है, उसकी वर्तमान परिस्थिति क्या है दोस्तों ये मायने नहीं रखता है, वो किस परिस्थिति में है वो मायने नहीं रखता है, किस परिवार से है, किस धर्म से है, किस राज्य से है, क्या हाइट है, ये इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब होने के लिए इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपको सकारात्मक एटीट्यूड चाहिए, वो ट्रस्ट चाहिए, क्योंकि आपको एक सही प्लेटफॉर्म मिल चुका है, जिस प्लेटफॉर्म पे लोग अपने सपने को, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्रोफेशन में इस प्लेटफॉर्म पे अपने सपने को पूरा कर चुके हैं और लोग कर रहे हैं, और वो सिखाने वाला, वो गाइड करने वाला इंटायर यहाँ लोग भी हैं, तीसरा आप खुद हैं, और जब आप एक सकारात्मक एटीट्यूड के साथ, एक ट्रस्ट के साथ जब आप काम करेंगे, कामयाबी कैसे नहीं मिलेगी, सक्सेस कैसे नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा दोस्तों। तो जिस भी जगह पे आप हैं, जिस भी शहर में आप हैं, जिस भी स्टेट में आप हैं, लग जाइए, आप जहां पे हैं वहां से जहां पे आपको जाना है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट्स है, उसको पूरा करने के लिए अपने उन पार्टनर्स के साथ, अपने उन दोस्त के साथ, अपने उस अपलायंस के साथ लगिए, उनके साथ बैठिए, प्लानिंग कीजिए, और ये सोचिए कि मैं जहां पे हूं वहां से नेक्स्ट स्टेप मुझे इस महीना जाना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। आपके जितने भी गाइडलाइंस करने वाले लोग हैं आपको निश्चित रूप से गाइड करेंगे, आपको बताएंगे और आपको सिखाएंगे दोस्तों। और अगर आप उस पे सकारात्मक एटीट्यूड के साथ और एक ट्रस्ट के साथ जब अगर आप चलेंगे, तो निश्चित रूप से दोस्तों मैं मानता हूं कि आप मेरे से बेहतर इस प्लेटफॉर्म पे बनेंगे, मेरे से बड़ा करेंगे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, नंबर वन का जो कुर्सी होता है ना, वो हमेशा खाली होता है, हमेशा खाली होता है, वो कभी रिजर्व नहीं होता है, और वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी आप सब लोग के पास है, वो टाइमिंग भी है, वो गोल्डन टाइमिंग भी है, टाइम भी है, एज भी है, एनर्जी भी है, सिर्फ एक अच्छे एटीट्यूड के साथ, एक अच्छे ट्रस्ट के साथ आपको इस प्लेटफॉर्म पे अपने उन सपनों के लिए काम करने की जरूरत है, जिसके वजह से आप अपने घरों से बाहर निकले थे या अपने लाइफ में कुछ करने के लिए आपने कोशिश किया था दोस्तों। और अगर आपने ऐसा कर लिया, तो फिर सोचिए ये दुनिया, ये परिवार, ये समाज आपको सैल्यूट करेगा, आपका एग्जाम्पल देगा। आज जिस जगह पे हम सब लोग हैं, आज हमारे अगल बगल क्या सिचुएशन चल रहा है, क्या परेशानी चल रही है, क्या चैलेंजेस चल रही है, मुझे लगता है कि आप में से लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। चाहे मैं अगर रोजगार की बात करूं, बेरोजगार की बात करूं, किसी प्रोफेशन की बात करूं, किसी चैलेंजेस की बात करूं, जब आप अगर किसी अलग प्रोफेशंस के बारे में आप जानते होंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार कितनी मुश्किल है, कितने टॉर्चर्स, कितनी चीजें करनी पड़ती है, तब जाकर के हम अपने जीवन में, एक व्यक्ति अपने लाइफ में उस चीजों के हासिल करता है, ये आपको पता है। तो दोस्तों मैं एक ही चीज लास्टली आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, जीवन में कामयाब के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट गाइडलाइनर और बेस्ट इंसान, अगर ये तीन चीज जिस दिन मिल गया वो इंसान कामयाब होता है, और ये तीनों चीजें आज आपके पास है, बेस्ट प्लेटफॉर्म भी है, सिखाने वाले लोग भी हैं और आप भी हैं, सिर्फ उस एक ड्रीम बना करके लाइफ में उसके लिए काम कीजिए। जब आप काम करेंगे, चैलेंजेस आएंगी, चुनौतियां आएगा, वो एक पार्ट है, दुनिया में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पे कोई चुनौती ना हो, जहां पे कोई चैलेंज ना हो, लेकिन ये भी सत्य है दोस्तों, ये भी तय है कि जो इंसान संघर्ष से और किसी चुनौती से या किसी परेशानी से डरता है, रुकता है, वो जीवन में कुछ भी नहीं करता है। और जितने भी लोग लाइफ में कामयाब हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनके ऐसा आप बनना चाहते हैं, जिनके ऐसा आप लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, जिनके ऐसा आप पैसा कमाना चाहते हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया। सबके लाइफ में, इंटायर सबके जर्नी में चैलेंजेस आई, परेशानी आई, चुनौतियां आई, बट वही सकारात्मक एटीट्यूड और वो ट्रस्ट का इस्तेमाल किया गया, वो काम आया। क्योंकि मैंने आपसे बोला ना कि नकारात्मक चीजें चुनना बहुत आसान होता है, बहुत ईजी होता है,
लेकिन जब वो इंसान उस नकारात्मक चीजों को छोड़ करके सकारात्मक चीजों को अपना लेता है कि यस इस प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली हुई है तो मैं इस चीजों को कर सकता हूँ, वही व्यक्ति अपने जीवन को बदलता है, वही व्यक्ति अपने सपने को पूरा कर सकता है दोस्तों। और यही चीजें इस प्लेटफॉर्म पे इंटायर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिनको आप जानते हैं उन सब ने किया हुआ है दोस्तों। तो क्या आप करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं सभी लोग? तो आप जिस भी स्टेट में हैं, जिस भी शहर में हैं, जिस भी जगह पे हैं, लगिए, मेहनत कीजिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों, दुनिया का आप एक ऐसे बेस्ट प्लेटफॉर्म, एक ऐसे बेस्ट प्रोफेशन में हैं जहां पे आने वाले समय में आपको प्राउड फील होगा कि यस मुझे भी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिला था जहां से मैं अपने करियर को सिक्योर कर पाया और मैं अपने फ्यूचर को बदल पाया दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, एक बार दिल से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है सर, क्या बात है। आज दिख गया कि 10 महीने में प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बनने का राज क्या है। सफलता की जो भूख मैंने देखी थी आज अब सब ने देख ली है कि सफल होने के लिए एक्चुअली में करना क्या है। तो 10 महीने में आज की तारीख में बात करें तो 14 लाख से ज्यादा का चेक है, और ये संभव हो सका है तो सिर्फ और सिर्फ इस सफलता की भूख से और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से जिसका नाम है SHPL। तो एक बार जोरदार तालियां बननी चाहिए हमारे SHPL के लिए, हमारे SHPL के CMD मिस्टर गोपाल कुंडू जी के लिए एक बार जोरदार तालियां तो बननी चाहिए, और ये जोरदार तालियां इस सेशन के लिए भी बननी चाहिए जिन्होंने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया है। तो मैं आपको 10 सेकंड के लिए अनम्यूट कर रहा हूं और मैं महसूस करूंगा आपके इस एनर्जी को अनम्यूट करने के बाद। क्या बात है बंद हो गया सर। ये एनर्जी और ये इससे महसूस हो रहा है कि जो प्लेटफॉर्म है वो कितना बेहतरीन है। जय SHPL, जय SHPL। और इस SHPL, क्या बात है ये एनर्जी इतनी ज्यादा हो रही है कि मुझे जूम की आवाजें अभी भी सुनाई दे रही है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। अब मेरी आवाज आएगी। मेरी आवाज कहीं छुप गई थी आपकी एनर्जी के पीछे, लेकिन अब मेरी आवाज आएगी। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए
हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब पार कर लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। और ये मिसाल 10 महीनों में मिस्टर उमेश कुमार चौरसिया ने करके दिखाया है। SHPL का सबसे टॉप लेवल का अहदा प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर को पा करके। दोस्तों मैंने आपको एक मैसेज भी भेजा है कि अगर आपको भी SHPL में सफल होना है तो हमने कुछ एक ऑफर्स भी डाले हैं। ये सबसे बेहतरीन ऑफर्स हैं और ये मैसेज मैंने इनबॉक्स में डाला है। जिस लिंक को आप क्लिक करके उस सारे ऑफर्स को देख सकते हैं, उस सारे ऑफर्स को समझ सकते हैं। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो अपने अपलाइन से कंसल्ट करें कि इस ऑफर को कैसे पाया जा सकता है। बहुत सारे ऑफर हैं इस महीने, आप इन ऑफर्स को देख करके आप थाईलैंड भी जा सकते हैं। थाईलैंड जाने के लिए भी ऑफर है, आपके लिए 10,000 बीवी का भी ऑफर है जहां पर आपको कई सारी चीजें मुफ्त में मिल रही हैं। आपको कंपनी की एनिवर्सरी के बाद एक बेहतरीन 5-स्टार होटल में 1 night 2 day का स्टे भी मिल रहा है इस ऑफर में, जहां पर आप क्या करना पड़ेगा आपको वो भी देख सकते हैं। आपको कई सारा कैशबैक और कई सारे प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं ऑफर्स में, और बहुत सारी चीजें हैं। ये ऑफर्स आप जरूर देखेगा। एक बार फिर से मैं चैट बॉक्स में उस लिंक को देख दे रहा हूं ताकि आप सभी इन ऑफर्स का मजा और ऑफर्स को समझ कर ऑफर्स के फायदे को उठा पाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये फ्राइडे आपका बहुत ही बेहतरीन रहा होगा। समय हो चला है कि इस वक्त को यहीं पे रोक दिया जाए। मन तो नहीं कर रहा, बट इस वक्त को यहीं पे रोकना पड़ेगा। तो हमने उमेश चौरसिया जी को सुना और उनको फॉलो करके हम भी उनकी तरह बहुत जल्दी वही लेवल हासिल करेंगे। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। और उमेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और अपना वक्त, कीमती वक्त देने के लिए, क्योंकि अब तो वो बहुत बिजी रहने वाले हैं, राइट। तो इसी के साथ आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और SHPL के बिजनेस को बढ़ाते रहिए ताकि आपके सपने जल्दी से जल्दी पूरे हों। यही हमारी चाहत है, यही हमारी विशेष है, यही हमारी दुआएं हैं। Thank you. Good night. Take care. Sweet dreams. Bye-bye.